Assalamualaikum friends, welcome back to my channel Living It Every Day. और इस वक्त हम लोग पियर्सन एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, हम लोग बोर्डिंग एरिया के अंदर हैं और हम लोग अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ये रहा एरोप्लेन। अच्छा, तो आज हम लोग जा रहे हैं वैनकूवर जा रहे हैं। हम एक ग्रुप हमारा पूरा वैनकूवर जा रहा है जिसमें हमारे फ्रेंड्स हैं और मेरा भाई भी आ रहा है। तो इस वक्त मैं और मेरे हस्बैंड जल्दी बोर्डिंग एरिया में आके बैठ गए हैं और अभी तक बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई, काफ़ी देर हुई और काफ़ी देर तो हमें यहाँ बोर्डिंग एरिया तक पहुँचने में हमें काफ़ी देर लग गई, सिक्योरिटी चेक में भी काफ़ी देर लगी। फ्लाइट चेक इन जल्दी हो गया लेकिन यहाँ तक पहुँचने में तो 1-2 किलोमीटर ही हमें लग गए और शायद हमने 1-2 किलोमीटर ही अंदर हमने ट्रैवल कर हमने चल लिया होगा और ऐसा लग रहा था चलते चलते शायद हम लोग वैनकूवर ही पहुँच जाएँ। तो आज सुबह मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट में एक जैम टोस्ट ही खाया था तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने फिर अभी यहाँ से आते हुए अपने यहाँ बोर्डिंग एरिया तक आते आते मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी ले लिया था टिम हॉर्टन से। मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज़ माई कॉफ़ी, ये मैंने टिम हॉर्टन से ली है। और वैसे टिम हॉर्टन से मैं हमेशा दो ही चीज़ें लेती हूँ, मेरे बस दो ही स्टैंडर्ड्स हैं, मैं उनका मेन्यू है जो मुझे पसंद है। एक तो मैं फ्रेंच वनीला बहुत शौक से पीती हूँ और एक मैं पीती हूँ और मैं उनका 12 ग्रेन बेगल है जो, और एग एंड चीज़ बेगल वो मैं बहुत शौक से खाती हूँ। तो मैं आपको अपना बेगल दिखा दूँ, ये रहा दिस इज़ माई बेगल। तो आई एम टू एन्जॉय माई ब्रेकफास्ट और मैं अभी अपने फ्रेंड्स का वेट कर रही हूँ, मैं अभी अपने भाई का वेट कर रही हूँ और फिर मैं आपको पूरा अपना वैनकूवर का मैं आपको ब्लॉग बताऊँगी कि मैं क्या क्या हम लोगों ने क्या क्या किया, व्हाट वर आवर एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एयरपोर्ट पहुंचने के लिए हम लोग सुबह सुबह किपलिंग सबवे स्टेशन पहुंच गए जहां से एक शटल सर्विस चलती है। मीनिंग एक बस है टीटीसी की 900 जो आपको डायरेक्टली पियर्सन एयरपोर्ट पर ही उतारती है। तो हम लोगों ने उबर के बजाय शटल सर्विस यूज करना ठीक समझा क्योंकि हमारे पास इतना लगेज भी नहीं था और पियर्सन हमारे घर से बहुत करीब है। ये शटल सर्विस एक बहुत अच्छी सर्विस है, इसके अंदर आप अपना सामान भी रैक के ऊपर रख सकते हैं और अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हैं और आपके पास बहुत सामान भी नहीं है और आप लकली सर्विस स्टेशन के पास ही रहते हैं तो ये शटल एक मस्ट हैव सर्विस है आपके लिए। तो ये बस आपको डायरेक्टली एयरपोर्ट के अलग अलग टर्मिनल्स पर लेके जाएगी, जैसे टर्मिनल 1, टर्मिनल 3, और हमारा टर्मिनल 3 था तो हम लोग डायरेक्टली वहीं उतर गए। फ्लाइट चेक इन पर इतना रश नहीं था, हमें 15 से 20 मिनट में ही चेक इन हमने कर लिया लेकिन सिक्योरिटी चेक में 1 से 1.5 घंटा हमें लग गया, वहाँ काफ़ी रश था और बहुत लंबी लाइन थी। और ये हम एयरपोर्ट के अंदर ही कोई 1 किलोमीटर चलते चलते बोर्डिंग एरिया की तरफ जा रहे हैं और मुझे इतनी भूख लग रही थी तो हम लोग बस टिम हॉर्टन्स पर रुक गए। और बस बोर्डिंग एरिया में बैठ के सबका वेट ही कर रही हूँ और सबसे पहली धमाकेदार एंट्री मेरे भाई साहब मोहम्मद सादिक ने की है और थोड़ी देर बाद हमारे फ्रेंड्स भी आ गए और एक्साइटमेंट में शूट ही उनको मैं करना भूल गई। और ऐसा जहाज़ तो मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ही देखा था। और बस फिर बोर्डिंग स्टार्ट होते ही हम एयरप्लेन में बैठ गए और फ्लाइट हमारी पूरे 5 घंटे की थी। और हमारी लैंडिंग हुई है एबट्सफोर्ड में शाम के 5 बजे और आप देख रहे हैं कि वेदर कितना क्लाउडी हो रहा है। और लैंड करते ही मुझे बिल्कुल जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी गांव में आ गए हम लोग, चारों तरफ इतनी ग्रीनरी थी कि ओंटेरियो में इतने साल रहकर भी हमने नहीं देखी थी। और सबको इतनी भूख लग रही थी लेकिन अभी भी थोड़ी देर है, लगेज के बाद हमें अपनी कार भी पिक करनी है जो इन लोगों ने ऑनलाइन ही रेंट पर बुक कर ली थी। तो लगेज तो हमें जल्दी मिल गया लेकिन कार रेंटल पर काफ़ी लंबी लाइन थी तो वहाँ काफ़ी देर हो गई। तो बस हम एयरपोर्ट से निकल के अपनी कार की तरफ ही जा रहे हैं। तो ये है हमारी कार जो कि 7 सीटर है और हम लोगों ने मिलके पूरी ट्रिप के लिए बुक कराई थी ताकि सब साथ ही घूम फिर सकें। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ऐसा लग रहा था कि हम लोग किसी गांव में आ गए हैं, चारों तरफ बस ग्रीनरी ही ग्रीनरी और इतनी खूबसूरती कि बस बाहर मैं थ्रू आउट खिड़की से बाहर ही मैं देखती रही। होटल हमारा 1 घंटे की ड्राइव पर डेल्टा में था तो बस हम एबट्सफोर्ड से डेल्टा की तरफ ही जा रहे हैं। तो बस हम लोगों ने एक छोटा सा स्टॉप ओवर लिया है वॉलमार्ट पर क्योंकि हमें थोड़े स्नैक्स वगैरह खाने थे और कुछ ज़रूरत का सामान भी लेना था। और ऑनेस्टली यहाँ का वॉलमार्ट टोरंटो के वॉलमार्ट से काफ़ी डिफरेंट था लुक्स वाइज, मतलब मुझे बहुत ही डेकोरेटेड और खूबसूरत सा लगा। हम इसके अंदर वॉलमार्ट के अंदर ही जो मैकडोनल्ड्स है वहाँ से स्नैक ऑर्डर कर रहे हैं क्योंकि अब भूख किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी।
और फाइनली हम लोग एक काफी लंबी ड्राइव के बाद अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे। अच्छा, ये आपको बता दूं कि हमने कोई होटल रूम वगैरह नहीं बुक कराया था, बल्कि एयरबीएनबी के थ्रू पूरा कॉन्डो टाउन हाउस सबने मिलकर बुक करा लिया था। तो सबसे पहले तो हमने पूरे घर का एक टूर लिया और हम सब एक्साइटेड हो गए थे। इतना डेकोरेटेड फर्निश्ड घर में रहने के लिए हर कोई एक्साइटेड था। ये 3 स्टोरी का घर था और सारे बेडरूम टॉप फ्लोर पर थे, जबकि किचन सेकंड फ्लोर पर था। सबसे ज्यादा खुश जैना थी, क्योंकि उसको यही लग रहा था पूरी ट्रिप में कि बस अब यही हमारा घर है और अब हम सब यहीं रहा करेंगे। तो बार बार मुझसे कह रही थी कि उसके पास न्यू हाउस में कोई टॉयज नहीं है और मैं उसको नए टॉयज दिला दूं। तो ये मास्टर बेडरूम था जो सबसे बड़ा था, तो सबने हमें कहा कि हम ये वाला रूम रख लें, क्योंकि हमारे साथ जैना भी है तो हमें कोई परेशानी ना हो स्पेस की वजह से। और मैं और अनम सेटल इन होते ही सबसे पहले किचन में गए और सारी ड्रॉर्स हमने खोल खोल के चेक की, और हम दोनों बहुत सरप्राइज हुए कटलरी और क्रॉकरी का इतना खूबसूरत कलेक्शन देख के। और सिर्फ क्रॉकरी नहीं, सारे किचन अप्लायंसेस भी दिए हुए थे। तो वॉलमार्ट से ही हमने जरूरत का कुछ सामान भी खरीद लिया था, जैसे चाय के लिए दूध और जैना के लिए जैम और जूस। और ये जो हमारी अनम है ना, इसका दिन दूध पत्ती पिए बगैर शुरू ही नहीं होता, तो घर से ही मैं पत्ती और इलायची अनम के लिए लेकर आ गई थी। और बस हम सब डिनर करने के लिए वैंकूवर डाउनटाउन के लिए निकल गए हैं। गूगल पर वॉन्स की बहुत अच्छी रेटिंग शो हो रही थी, जो एक हलाल रेस्टोरेंट भी है, और उसके बाहर की लगी कस्टमर्स की लाइन देखकर ही अंदाजा हो रहा था कि ये जगह ना सिर्फ पॉपुलर है बल्कि यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा होगा। वेदर में थोड़ी ठंड जरूर थी, लाइक एक रेगुलर जैकेट वाली सर्दी थी, और बस काफी देर नहीं हमें वेट करना पड़ा और जल्दी ही हमारा नंबर आ गया। डाइनिंग एरिया तो अंदर से बहुत खूबसूरत और लाइवली था। हम इसके ओनर से भी काफी देर तक बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे, जो एक ब्रिटिश नेशनल था और वो इंग्लैंड से यहाँ पर मूव किया था, उसने अपना बिजनेस यहाँ स्टार्ट किया था। तो पूरे रेस्टोरेंट की थीम बहुत ही उसने इंग्लिश थीम उसने रखी थी, और मेन्यू भी शायद कुछ इंग्लिश आइटम्स उसने इंट्रोड्यूस किए थे अपने मेन्यू के अंदर। तो मेन्यू में बहुत ज्यादा आइटम्स नहीं थे, लेकिन जितने भी थे उनके सब हिट आइटम्स थे और इतने टेस्टी थे। ऑल्दो मैं बर्गर्स या सैंडविचेस की इतनी फैन नहीं हूं, लेकिन यहाँ के खाने की कुछ और ही बात और टेस्ट था। आप बस मेरा रिएक्शन चेक करें। तो बस ये था मेरा डे 1 का व्लॉग फ्रेंड्स। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी ट्रिप का व्लॉग अपलोड करती जाऊंगी। हम सब बहुत थक चुके थे तो इससे ज्यादा मैं शूट नहीं कर सकी। जैना को तो आप देख ही रहे हैं। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।